इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये वो नाम है जिस नाम को हम अपनी पहचान बताते हैं। ये वो नाम है जिसका नारा हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं। ये वो नाम है जो अपनी किताबों में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये नाम राजनीति शिकार हो चुका है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। सरकार ने हाल ही में देश का नाम इंडिया से भारत करने का संकेत दिया है। इसे लेकर काफी सियासत भी हुई। हालांकि भले ही आधिकारिक तौर पर देश का नाम अंग्रेजी नाम जो है इंडिया से भारत नहीं किया गया है, मगर गूगल मैप ने नए नाम को जरूर स्वीकार कर लिया है। दरअसल इसकी वजह यह है कि अगर आप गूगल मैप के सर्च बॉक्स में भारत टाइप करेंगे तो आपको दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश लिखा हुआ के साथ तिरंगा झंडा नजर आएगा। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज जो है हिंदी रखी है या फिर अंग्रेजी। अगर आप हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में लिखे, आपको गूगल मैप के रिजल्ट के तौर पर इंडिया ही दिखाएगा। बता दें आपको, गूगल मैप ने इंडिया और भारत दोनों को ही दक्षिण एशिया में एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। इसलिए यूजर्स अगर भारत का आधिकारिक नक्शा गूगल मैप पर देखना चाहें तो वह अंग्रेजी या हिंदी में गूगल मैप पर भारत या इंडिया लिखकर ऐसा कर सकते हैं। गूगल मैप के हिंदी वर्जन पर अगर आप भारत टाइप करते हैं तो आपको भारत के नक्शे के साथ भारत बोल्ड में लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप गूगल मैप पर अंग्रेजी वर्जन जाकर भारत लिखते हैं तो आपको सर्च रिजल्ट में देश के नक्शे के साथ इंडिया लिखा हुआ आएगा। यानी कि गूगल मैप ने भारत को भी और इंडिया के तौर पर भी स्वीकार कर लिया है। जहां सरकार नाम बदलने के कायदे कानून में जुटी है, इसी बीच गूगल ने पहले ही अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ गूगल मैप्स ही नहीं बल्कि टेंग कंपनी के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप भारत और इंडिया लिखा जा रहा है, और बता दें आपको तो रिजल्ट पर एक दम सेम नजर आ रहा है। यूजर्स अगर गूगल सर्च, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल न्यूज जैसे एप्स पर जाकर भारत या इंडिया लिखते हैं तो उन्हें एक जैसा ही रिजल्ट मिल रहा है। हालांकि अभी तक गूगल की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जल्द ही उसकी तरफ से बयान जारी किया जा सकता है। जिस नाम को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिस नाम को हम लगाते हुए आ रहे हैं, जिस नाम को हम अपने दिल में बसाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब उस नाम पे भी राजनीति चरम सीमा पर है। जब से देश में इंडिया गठबंधन बनी है, तब से भारत और इंडिया के बीच विवाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस बात में कोई नाराजगी नहीं है, इस बात में कोई भी आशंका नहीं है कि हमारा देश भारत हो या हिंदुस्तान हो या इंडिया हो, हम सबको सारे नामों को हम दिल से स्वीकारते हैं, इन सारे नामों को हम अपने दिल में बसाते हैं। लेकिन जिस तरह की देश में राजनीति हो रही, जिस देश में अब भारत और इंडिया देश के नामों पर ही राजनीति खेली जा रही है, उस देश से और अब क्या उम्मीद की जा सकती है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप इस गंदी राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।